नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। प्रदेश में कोयला संकट को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बेहद गंभीर हैं और संकट को लेकर सीएम भजन लाल दिल्ली के दौरे पर, जहां उन्होंने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की और इस मुद्दे पर चर्चा की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। वहीं आज शाम को सीएम भजन लाल दिल्ली में कार्यरत राजस्थान सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक लेंगे, जिसमें मुख्य सचिव सुधांश पंत भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सीएम दिल्ली में राजस्थान सरकार से जुड़ी गतिविधियों और कामों की रूपरेखा जानेंगे। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री आर के सिंह से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे और अभिनंदन किया हीरालाल नागर। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। दरअसल कोयले का जो संकट है, जिस वजह से बिजली के उत्पादन में दिक्कत हो सकती है, उस तमाम अड़चनों को दूर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कोयले की आपूर्ति मुलाकात की गई आर के सिंह केंद्रीय मंत्री और साथ ही साथ प्रहलाद जोशी से भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुलाकात की। और एक बड़ी खबर यह भी है दिल्ली से ही कि सीएम भजन लाल शर्मा ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की है। केंद्रीय कोयला मंत्री के आवास पर यह शिष्टाचार मुलाकात इस दौरान हुई, क्योंकि जब केंद्रीय कोयला मंत्री के आवास पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे तो वहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात यहां पर की गई और इस मुलाकात को लेकर यही कहा जा रहा है कि ये शिष्टाचार भेंट थी, शिष्टाचार की मुलाकात जिसमें बातचीत की गई। सीएम भजन लाल शर्मा मुलाकात करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से और साथ ही साथ प्रहलाद जोशी भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आया है। वो साफ तौर पर आर पार की लड़ाई के मूड में उतर आए हैं। भरतपुर जिले में उज्जैन के जयचोली गांव के रेलवे ट्रैक के पास आज से आरक्षण आंदोलन शुरू किया गया है। इसी बीच किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। आंदोलन संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा है कि 22 जनवरी तक शांतिपूर्ण तरीके से महापड़ाव चलेगा, इसके बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो बैठक करके आगे की रणनीति में तय करके आंदोलन को और तेज किया जाएगा। केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर के जाट समाज एकजुट नजर आ रहा है और ये तीसरी बार जाट समाज का आंदोलन जो है वो शुरू हो रहा है। आज से जयचौली गांव में महापड़ाव डाला जा रहा है और जो आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं नेम सिंह फौजदार, उनका कहना है कि अभी शांतिपूर्ण तरीके से महापड़ाव डाला जा रहा है, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो उसके बाद जाट समाज आगे रणनीति तय करेगा और फैसला लेगा। आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक हैं नेम सिंह फौजदार, हमारे साथ मौजूद है। आज से महापड़ाव आपका शुरू हो गया है, क्या तैयारियां हैं, क्या अल्टीमेटम है आपका? देखिए, 25 दिसंबर को महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस था, उस दिन से हमने पीले चावल बांटना शुरू किया है। भरतपुर धौलपुर के जाटों की 1998 से आरक्षण को लेकर आंदोलनरत रहे हैं। समय समय पर सरकार से वार्ताएं हुई हैं, कुछ हद तक समाधान हुए हैं, लेकिन अब जो स्थिति है, सारे विधिक कार्रवाई जो भी हैं, जो भी डॉक्यूमेंटली फॉर्मेलिटियां होती हैं, वो सारी हम लोग पूरी कर चुके हैं। सरकार की मंशा के आधार से ये लगता है कि सरकार जानबूझकर जाटों को आंदोलन के लिए विवश कर रही है। अब तो हमको आंदोलन की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। भरतपुर धौलपुर के जाटों का सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी, माननीय भजन लाल जी हमारे बड़े भाइयों और पारिवारिक सदस्य हैं और ये बहुप्रतीक्षित मांग है, मोदी जी के बिल्कुल नज़दीक हैं और नए नए उनको मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी है, वो हमारा सौभाग्य है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आंदोलन उग्र हो। आज हमने यहाँ गांधीवादी तरीके से महापड़ाव शुरू करेंगे और 22 तारीख तक हमारा
शांति प्रिय गांधीवादी तरीके जितने भी होते हैं, हवन भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे, अगर फिर भी सरकार नहीं सुनेगी तो फिर संघर्ष समिति अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होगी। इसके बाद भाजपा की तरफ से खबर ये कि लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है बीजेपी ने। मिशन 25 के तहत भाजपा ने आधी आबादी तक अपनी पहुंच मजबूत करने की दिशा में काम करने के लिए रणनीति तैयार की है। इसी के तहत प्रदेश भाजपा कार्यालय में शक्तिवंदन अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा हुई। इसके साथ ही महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी चर्चा हुई है। कार्यशाला में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, मंत्री मंजू बागमार और अभियान की राष्ट्रीय संयोजिका विजय राहटकर मौजूद रहे। आपको बता दें कि अभियान को लेकर पार्टी ने प्रदेश स्तर पर 19 सदस्यों की टीम बनाई है। केंद्र सरकार की तरफ से हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं उनको ड्रोन दीदी के नाम से भी जाना जाएगा। 15,000 ड्रोन उनको दिए जाएंगे जो आगे चल के हमारे किसानों की मदद करेंगे। और उसी के साथ साथ हमारी जो बहनें हैं वो लखपति दीदी भी अब बन जाएगी, इसकी भी काफ़ी अच्छी योजना बन गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनें सक्षम हो रही है, अपने खुद के छोटे से बिजनेस शुरू करके अपने पैरों पर खड़ी भी हो रही है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए इन सभी बहनों को साथ हम संपर्क कर रहे हैं, उनको मिल भी रहे हैं और उनको और उनके लिए हम क्या प्रयास करेंगे, उनके लिए जो योजनाएं बनाई है वो योजनाएं भी हम उनके पास लेके जाएंगे। एक बहुत बड़ा अभियान पार्टी का शुरू हो रहा है, हमारा शक्तिवंदन नाम का अभियान पूरे देश भर में सेल्फ हेल्प ग्रुप के बहनों के साथ जुड़ने के लिए शुरू हो जाएगा, जिसकी आज राजस्थान से शुरुआत हो रही है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत बुधवार को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की राजस्थान क्लस्टर की चेयरपर्सन रजनी पाटिल और सदस्य परगट सिंह, कृष्णा अल्लावुरु पीसीसी में कांग्रेस नेताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, पाली विधायक भीमराज भाटी, पूर्व उप मुख्यमंत्री साक्षरता का महेंद्र चौधरी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों से मिलने के लिए पहुंचे और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता अस्वीकार करने वालों को श्री श्री रविशंकर ने नसीहत दी है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा, निमंत्रण अस्वीकार करना सबका निजी अधिकार है, रामकाज में सभी दलों को जाना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को प्रधान सेवक कहता है नरेंद्र मोदी, वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है? ये कई लोग सवाल उठाते हैं, विपक्षी दल सवाल उठाते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पर? ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। इस तरह से सोचना, सेक्युलरिज्म माने सब धर्म को सम्मान देना है, ऐसा नहीं। धर्म निरपेक्ष माने धर्म को पछाड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। देखिए, इससे पहले भी जो लोग थे सब आस्थावान ही थे, मगर चुप चुप के करते थे। किसी गुरु के पास जाना हो तो कैमरा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, चुप के जाओ। देश भर के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चल रहा है और इस कड़ी में आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खड़े गणेश मंदिर में सफाई अभियान का आगाज किया। मंदिर में झाड़ू के साथ पोछा भी लगाया और मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ओम बिरला ने कहा कि आज देश के लिए स्वच्छता बेहद जरूरी भी है। स्वच्छता को लेकर देश भर में जागृति लाना उद्देश्य है जो सफल हो रहा है। देश भर के मंदिरों में स्वच्छता का अभियान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रेरित कर रहा है। राम मंदिर की होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और इस कड़ी में बीजेपी के तमाम नेता इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। इसी क्रम में जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कार सेवा में शहीद हुए स्वर्गीय महेंद्रनाथ अरोड़ा की स्मृति में बनाए गए चौराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सफाई की। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया। सहस्त्राब्दी की सबसे बड़ी घटना, देश में भगवान श्री राम का मंदिर भव्य तरीके से पुनः बन करके और भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ 22 तारीख को होने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश भर के सभी मंदिरों में अनुष्ठान और स्वच्छता के कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं। राम मंदिर बनाने के लिए देश में लाखों लोगों ने बलिदान किया है। जोधपुर की इस
वीर धरा के सपूत सदैव स्वर्गीय महेंद्रनाथ अरोड़ा जी ने और जोधपुर के जोधपुर की ही जिले के दोनों परिहार बंधुओं ने अपना प्राणोत्सर्ग इस राम मंदिर के निर्माण के लिए किया। टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने पीएम मोदी के आह्वान पर मंदिर में सफाई अभियान की शुरुआत की। इस दौरान जौनापुरिया ने शहर के प्राचीन रामकृष्ण मंदिर में झाड़ू लगाकर पूरे मंदिर में सफाई और धुलाई की। सफाई अभियान में जिला महामंत्री प्रभु बाड़ूलिया, विष्णु शर्मा समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद ने कहा कि भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए अद्भुत और गौरव का पल है। 22 जनवरी को जिले में सभी मंदिरों में सजावट और हवन पूजन किए जाएंगे। आपसे देश के प्रधानमंत्री ने सबको आगाह किया है, सब लोग इस आह्वान में लगे हैं। मैं समझता हूं कि आज पूरे देश के अंदर में सभी मंदिरों में सफाई का काम 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक लगातार चलेगा। चुरू से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर 2018 के मारपीट के एक मामले में, यानी साल 2018 के मारपीट के एक मामले में कोर्ट का फैसला आया है। 3 दोषियों को 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। चलकोई के राम सिंह, भूर सिंह, मांगू सिंह को ये सजा सुनाई गई है। वार्ड 1 के राजू सिंह के साथ सरियों से मारपीट की थी इन्होंने तीनों ने, यह दोष सिद्ध हो गया है। सभी ने पीड़ित के पैरों पर जीप भी चढ़ा दी थी। सर्किट हाउस के पास इस वारदात को अंजाम दिया था। तो एक महत्वपूर्ण फैसले में चुरू से खबर आ रही है, जहां पर साल 2018 में मारपीट के एक मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 3 दोषियों को 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 3 दोषी चलकोई के रहने वाले राम सिंह, भूर सिंह, मांगू सिंह को सजा का ऐलान हुआ है। मामला वार्ड नंबर 1 का है, जहां पर राजू सिंह के साथ सरियों से इन तीनों ने मारपीट की थी। सभी ने पीड़ित के ऊपर उनके पैरों पर जीप भी चढ़ा दी थी। सर्किट हाउस के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल इस मामले में 5 साल बाद यह बड़ा फैसला अदालत की तरफ से आया है। 2018 का यह मामला, जैसा हमने आपको बताया। टोंक में नेशनल हाईवे पर यूडीएच मंत्री झाबरमल खर्रा का पूर्व विधायक अजीत मेहता और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान खर्रा ने पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार के घोटालों की जांच कराने की बात कही। साथ ही तथ्यात्मक शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने का ऐलान भी किया। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान के पिछड़ने पर चिंता जताई और कहा कि इसे लेकर मेयर और निगम अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सर्किट हाउस के गेट पर हंगामा हुआ है। यूडीएच मंत्री के कोटा दौरे के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला है। सर्किट हाउस के गेट पर बीजेपी नेताओं ने हंगामा किया है। बीजेपी नेताओं और पुलिसकर्मियों के बीच कुछ कहासुनी हुई है। बात को लेकर कार को सर्किट हाउस में ले जाने की बात पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ है। तो कोटा की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सर्किट हाउस के गेट पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। यूडीएच मंत्री के कोटा दौरे के दौरान यह भारी हंगामा देखने को मिला है। सर्किट हाउस के गेट पर बीजेपी नेताओं का हंगामा देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि बीजेपी नेताओं और पुलिसकर्मियों के बीच खूब कहासुनी हुई है। ये विवाद शुरू हुआ दरअसल इस बात को लेकर कि कार को सर्किट हाउस ले जाने को लेकर कुछ विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद कहासुनी हुई और फिर ये पूरा विवाद हो गया। अलवर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए किशनगढ़बाज थाने में एक एएसआई को ट्रैप किया है। टीम ने इंस्पेक्टर को 30,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल परिवादी के मुताबिक एक भैंस चोरी के मामले में इंस्पेक्टर ने उसे आरोपी बनाने की धमकी देते हुए उसके एवज में पैसों की मांग की, जिसके बाद थाने में 30,000 की रिश्वत लेते हुए पुलिस ने आरोपी दलाल और इंस्पेक्टर को अरेस्ट किया। चूरू के रतनगढ़ में एक शराब से भरा ट्रक हाईवे पर पलट गया। घटना के बाद से मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोगों ने मुफ्त की शराब लूट ली। घटना का कारण ओवर स्पीड बताया जा रहा है। बीकानेर से सरकारी देसी शराब भरकर एक ट्रक हाईवे से चूरू आ रहा था। तेज स्पीड होने के बाद संगम चौराहे पर ट्रक बेकाबू हो गया। एक्सीडेंट में चालक वाहन में बुरी तरह से फंस गया। मौके पर स्थानीय लोगों ने क्रेन की मदद से ट्रक को खड़ा कर चालक की जान बचाई और उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती किया गया।
और वहीं अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है, ये हम सभी जानते हैं, जिसे लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी हर्ष का माहौल है। ऐसे में कुछ गर्भवती महिलाएं भी हैं जो अपनी डिलीवरी 22 जनवरी को कराने के लिए डॉक्टरों से रिक्वेस्ट कर रही हैं। प्रतिष्ठा वाले दिन सीजेरियन डिलीवरी की मची होड़, ताकि मेरे लला के उन्नत भविष्य को कोई ग्रह गोचर ना पाए तोड़। मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्श पर चले संतान, देश और समाज की उन्नति को मिले नया आयाम। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उमंग है, पूरा देश राममय हो चला है। 22 जनवरी का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। ऐसे में गर्भवती महिलाएं इस दिन को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए प्रसव कराना चाहती हैं। जी हाँ, अपने लला को जन्म देने के लिए गर्भवती महिलाएं डॉक्टरों से विशेष आग्रह कर रही हैं। भीलवाड़ा की नेहा शर्मा भी 22 जनवरी को अपने लला को जन्म देना चाह रही है। बहुत ऑस्पिशियस डे है 22 जनवरी, सब लोग सोच रहे हैं रामलला आएंगे, रामलला का की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है अयोध्या में। अगर भगवान की कृपा रही तो मेरी बड़ी इच्छा है कि 22 जनवरी के दिन हो जाए। गर्भवती महिलाओं की इच्छा को पूरा करने के लिए उनके पति और परिवार के बुजुर्ग भी साथ दे रहे हैं। काफी लंबे संघर्ष के बाद कई लोगों ने उस दिन बलिदान दिया है, जैसे कोठारी भाई थे, दो भाई कठोरी बंधु थे, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उसी लिए तो मैं चाहती हूँ उस बड़े दिन के दिन मेरे घर में भी कोई ऐसा शिशु आवे, ताकि वो दिन मेरे लिए बहुत यादगार बन जाए। अब विशेष आग्रह की वजह भी समझ लीजिए, क्यों खास है 22 जनवरी की डिलीवरी डेट। ज्योतिषों का कहना है कि बच्चों के जन्म में समय और मुहूर्त भी बेहद खास होता है। दरअसल बच्चे के जन्म के समय से ही उसके जीवन की दिशा और दशा तय हो जाती है। ऐसे में शुभ मुहूर्त हमेशा बच्चों के कल्याण के लिए अच्छे होते हैं। 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सबसे अच्छे मुहूर्त में हो रही है, और इस वजह से बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं इसी दिन डिलीवरी करने का आग्रह कर रही हैं। जिनका प्लांट सीजेरियन है वो भी सीजेरियन 22 को कराना चाह रहे हैं। नॉर्मल है तो भी मरीज चाह रहा है, संभव है तो करवा दिया जाए। तो मरीजों की इच्छा है और जिनका संभव है कि 22 को करने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो हम लोगों ने भी तैयारी कर रखी है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। आलम ये है कि 22 जनवरी को वाहन खरीदने और शिशु को जन्म देने के लिए गाड़ियों के शोरूम और अस्पतालों में एडवांस बुकिंग चल रही है। राम प्रतिष्ठा से पहले भी राम का जारी है, अयोध्या सज चुकी है तो मंदिर की ताज़ा तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें मंदिर भव्य दिव्य नजर आ रहा है। आपने समय अंतराल में अयोध्या देखी, अब अयोध्या की ताज़ा तस्वीरें भी देखिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या जिस तरह से सजाई संवारी जा रही है, उसे देखकर आपके मुंह से भी यकीनन यही बोल निकल पड़ेंगे कि नगरी हो अयोध्या जैसी। रामलला के भव्य स्वागत के लिए अयोध्या नगरी की मनोहारी सुंदरता दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शन कीजिए रामलला के उस नव्य भव्य दिव्य दरबार की, जहां 22 जनवरी को स्वयं प्रभु श्री राम विराजेंगे। ये ताजा तस्वीरें 15 जनवरी की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि राम मंदिर का कितना काम पूरा हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर पर मंदिर निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। मंदिर में प्रवेश द्वार के शिखर से लेकर फर्श तक मनमोहक नक्काशी का ऐसा नमूना शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा।
पत्थर के कारीगरों पर ये राम भक्त हनुमान की ही कृपा है कि मंदिर में छत से लेकर फर्श तक ऐसी नक्काशी निखर कर सामने आई है कि आप मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंत्रमुग्ध होकर एक एक नक्काशी को निहारते ही रह जाएंगे। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो। वहीं मकर संक्रांति के दिन एक शुभ सूचना ये आई कि मंदिर के गर्भगृह में बने सभी कपाट यानी दरवाजों को लगाने का काम पूरा हो गया है। गर्भगृह के सभी दरवाजे स्वर्ण जड़ित हैं, जो अपनी स्वर्ण आभा से मंदिर में आने वाले राम भक्तों का मन जीत लेंगे। मंदिर से निकलकर चलिए अब आपको अयोध्या नगरी की मनमोहक छटा दिखाते हैं और आपको लिए चलते हैं उस टेंट सिटी में जिसे 22 जनवरी को अयोध्या आने वाले मेहमानों के लिए तैयार किया गया है। टेंट सिटी पूरी तरह से राममय है। टेंट सिटी के स्वागत पर भगवान राम के पराक्रमी स्वरूप का कटआउट लगाया गया है जिस पर लिखा गया है निषाद राज अतिथि गृह। टेंट सिटी पर प्रवेश करते ही दो बड़े बड़े डाइनिंग हॉल दिखाई देते हैं। एक हॉल का नाम सीता रसोई रखा गया है तो दूसरे हॉल का नाम शबरी रसोई रखा गया है। इसके अलावा एक और हॉल बनाया गया है जिसका नाम जय श्री राम रखा गया है। और इसी के साथ फिलहाल अभी बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।